नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा आपको अपने प्रिय कवि प्रयाग शुक्ल जी की कुछ एक कविताएं सुना रही हूँ। ये कोरोना काल है, इसमें कविताओं को पढ़ना साझा करना अच्छा लगता है, वो हमें जीवनी शक्ति देती हैं। अतः इस कविता का शीर्षक है आज रात। आज रात मैं ठीक करूँगा मेज, सहेजूंगा कागज पत्र। आज रात मैं जागूंगा बहुत देर तक, आज रात मैं लिखूंगा। आज रात मैं करूंगा याद वह सब जिसे भूलता जा रहा हूँ। आज रात मैं निचोड़ूंगा अपना मन जैसे कोई कपड़े निचोड़ता है। आज रात मैं लिखूंगा तुम्हें एक चिट्ठी। अगली कविता का शीर्षक है पत्र पेटी। ज़रा सा समय, ये नेट इतना स्लो है मुजफ्फरपुर बिहार में 4G के बावजूद कि कुछ भी खुलने में बहुत समय लगता है, है ना? पत्र पेटी। इस सुदूर गांव में टंगी हुई पत्र पेटी एक पेड़ के तने से। डालता हूँ तुम्हें चिट्ठी, पहुँचे तो पढ़ना ज़रूर। इस सुदूर गांव में टंगी हुई पत्र पेटी एक पेड़ के तने से। डालता हूँ तुम्हें चिट्ठी, पहुँचे तो पढ़ना जरूर। अगली कविता का शीर्षक है अब मैं याद नहीं करता तुम्हें। अब मैं नहीं याद करता तुम्हें, बरस बीते मिले थे हम दूर देश में। अब मैं नहीं याद करता तुम्हें, बरस बीते मिले थे हम दूर देश में, एक और देश में दूसरे। आज मैं नहीं याद करता तुम्हें, जाने कहाँ हो तुम। बरस बीते पीता हूँ सिगरेट, ढूंढता हड़बड़ा कर माचिस, जाकर खड़ा हो जाता खिड़की के पास सूर्यास्त। अब मैं नहीं याद करता तुम्हें। अगली कविता का शीर्षक है दोपहर। और दोस्तों, ये जो कविता है दोपहर शीर्षक, इसमें बहुत से सब सेक्शंस हैं या सब टाइटल्स हैं, और बड़ी उत्तर आधुनिक काल की कविता है ये। एक कविता के भीतर कई कविताएं एक एक पंक्तियों की बनी हुई। दोपहर ठंड है, दोपहर में ठंड से अलग रात की, सुबह की ठंड से अलग। ठंड दोपहर में, इसका एक आगे सब टाइटल है। मध्यम हो रही है धूप, उड़ रहे हैं पत्ते सूखे, चल रही है हवा। अगली सब टाइटल है गहराती ठंड को, आ रही है ठंड की महक से याद। दोपहर ऐसी ही एक दोपहर को, हुए थे हम अलग, समेट एक दूसरे को सूखे पत्तों का विषाद। समेट एक दूसरे को सूखे पत्तों का विषाद। और अगली कविता यात्रा से संबंधित है, और उसका शीर्षक है एक यात्रा के बाद। एक यात्रा के बाद। एक यात्रा के बाद एक बार लौटा फिर घर के दरवाजे पर की ठक ठक, सुन पड़ी पीछे छूटी हुई नदियों की लय। एक यात्रा के बाद एक बार लौटा फिर घर के दरवाजे पर की ठक ठक, सुन पड़ी पीछे छूटी हुई नदियों की लय। ठक ठक दिख पड़े पीछे खड़े बहुत दूर पहाड़, रास्ते घुमावदार, चाय की दुकानें, चट्टानें, खेत, चिड़ियाँ, सुरंगें। ठक ठक खुला दरवाज़ा, बच्चे थे घर पर, भड़भड़ा कर मेरे साथ घुसने की कोशिश करने लगी नदियाँ,
धंसना चाहने लगे घर में पहाड़। और अगली कविता है, मेरी बेटी ने कहा। कहा मेरी बेटी ने, ऐसे नहीं होते कभी। कहा मेरी बेटी ने 11 साल की, देखती हूँ बहुत दिनों से नहीं पूछा आपने पौधों के बारे में। ऐसे नहीं होते कभी। कहा मेरी बेटी ने 11 साल की, देखती हूँ बहुत दिनों से नहीं पूछा आपने पौधों के बारे में। छत पर नहीं गए देखने तारे, बारिश हुई इतनी हरी घास उगी, कैसी चमकती है धूप में वहाँ, देखा नहीं आपको देखते उस घास को। ऐसे नहीं होते कभी। कहा मेरी बेटी ने, ऐसे नहीं होते कभी। कहा मेरी बेटी ने। और दोस्तों, एक कविता मैं और पढ़ना चाहती हूँ इस श्रृंखला में, और वो कविता है कूकाबेली। और मुझे लगता है, मैंने अभी ऑनलाइन डिक्शनरी में भी देखा है कि इसका मतलब है जलकुंभी, जिसे हम बिहार में जलकुंभी कहते हैं, या हो सकता है उससे मिलती जुलती कोई चीज़ है। नीली कुमुदिनी, लेकिन कुमुद हमेशा सफ़ेद होता है, एकदम सुबह में खिलता है। कुमुद मेरे प्रिय फूलों में से है। कूकाबेली, उगी है कूकाबेली फूली पानी में, फूलती थी जैसे बचपन में, पौधे ये और फूल ये और सुबह ये और, पर फूली है कूकाबेली फूलती थी जैसे मेरे बचपन के इस गांव में। और दोस्तों, एक कविता और है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, उसका शीर्षक है बिस्तर। और दरअसल उसको पढ़ना चाहिए था कूकाबेली से पहले, क्योंकि वो एक कामकाजी आदमी की बात है, कोई बात नहीं, आते जाते हमारे स्मृतियों में बनी रहती है कूकाबेली। हम जब थक कर बैठ जाते हैं तब भी खिलती रहती है कूकाबेली, परेशानी में भी, भले हम उसको कह दें कि जलकुंभी से भरे तालाब कैसे बन गए उसके मेरे समुद्र, जैसा कि मैंने कहा है। लेकिन ये कविता इस श्रृंखला की आखिरी, प्रयाग शुक्ल जी की, शीर्षक है बिस्तर। रात आती है बिछ जाता है बिस्तर, बिस्तर रहता है और उसका भरोसा। लौटूंगा लेटूंगा फैला कर पाँव पार कर फिर एक दिन। रात आती है बिछ जाता है बिस्तर, बिस्तर रहता है और उसका भरोसा। लौटूंगा लेटूंगा फैला कर पाँव पार कर फिर एक दिन। खट जाती है एक दिन में कितनी ही चीज़ें, घट जाती है एक दिन में कितनी ही चीज़ें। यह जो मैं पड़ा हूँ बिस्तर पर, न जाने कितने दानों का पुलिंदा, क्या साबुत। यह जो मैं पड़ा हूँ बिस्तर पर, न जाने कितने दानों का पुलिंदा, क्या साबुत। उठकर बैठ जाता हूँ फिर देर तक नहीं आती नींद। ये थी प्रयाग शुक्ल की कुछ चुनिंदा कविताएं। आशा है कि आपको मेरा पाठ भी पसंद आएगा। कविताएं तो ये लाजवाब हैं। धन्यवाद।